देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जंग छिड़ गई। दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के एक ट्वीट के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी। उप मुख्यमंत्री की इस मांग पर मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर शुरू हुई इस बहस में दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मनोज तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। सिसोदिया ने कहा कि मनोज तिवारी ने केजरीवाल को धमकी दी है, जिससे ये साफ होता है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है, एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को अपने षड्यंत्र में फंसाने में सफल नहीं हो पाई, इसीलिए ये साजिश रची जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि उन्हें भी केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। साथ ही मनोज तिवारी ने केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। तिवारी ने कहा कि पता नहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच क्या चल रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं, और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है ये अलग 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 डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं, और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। दरअसल ये पूरा विवाद मनोज तिवारी के एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है। इनके विधायक पिटे भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, सजा न्यायालय ही दे। मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि गुजरात व एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। आप इनकी टुच्ची राजनीति से नहीं डरती और इनके गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। आपको बता दें, दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसमें अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।